ये आपको पड़ेगी 2500 रुपये की। 2500 और है इसके कितने? ये LED है, 16 इंच है। कुछ कुछ ख़राब भी हो सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सारी सही हैं, लेकिन तकरीबन 80-90% इसमें सही होता है। कितने के लिए? ये भी केजी के हिसाब में 1000 पर केजी। 1000 पर केजी। एसी का ये है कि यहाँ पे एसी किलो के हिसाब में बिक रहा है। किलो के हिसाब में जी, और हैं सही है? ये सही है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में शेर शाह जनरल गोदाम में, वाकई इस गोदाम में, और ये वैसे तो एक छोटा सा गोदाम है, और यहाँ पर जो सामान है वो तमाम स्क्रैप का वो सामान होता है जो बहरी जहाज़ों से आता है। तो यहाँ एसी किलो के हिसाब से, और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे हैं जो किलो के हिसाब से यहाँ फ़रोख किए जाते हैं, और दीगर सामान है। तो आइए मसीद आपको दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरा नाम है ज़िया, और ये है गोदाम शेरशाह में, सुपर जनरल गोदाम में। और यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे मैं जो डील करता हूँ वो शिप वाला सामान होता है, स्क्रैप में। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें इसमें सही भी होती हैं, कुछ कुछ ऐसा होता है कि स्क्रैप में होता है, मतलब ये कहलाता है स्क्रैप। अभी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर? बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं, जैसे अम्ब्रेलाज रखी हुई हैं, और सिवास वायर हैं, सीसीटीवी कैमरा है, LCDs हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब मिक्स है। अच्छा, ये बताना, ये जो स्टोव है, ये इलेक्ट्रिक स्टोव है या गैस का है? नहीं, ये पोर्टेबल है, इसमें लाइटर वाली गैस लगती है। लाइटर वाली गैस लगती है? हाँ, वहाँ से कोने से आप देखेंगे, दिखाना है क्या, यहाँ पे लगेगी लाइटर वाली गैस। अच्छा, और ये है कितने का? ये आपको मैं दे दूँगा 5000 का। 5000 जी। है यूज? नहीं, न्यू है। न्यू है? न्यू है ये। और मार्केट में कितने का होगा ये? तकरीबन भी 14-15 हज़ार रुपये का होगा ये नया, जैपनीज है। और दिखाना, बताना। अम्ब्रेला मिल जाएगी आपको, ये 500 रुपये में। 500? वैसे आमतौर पर मार्केट में कितने की होगी? 800, 1000, 1200। मुझसे ही कितने लोग लेके जाते हैं ऐसे सदर में, और लाइट हाउस वाले जो हैं वो उससे महंगी महंगी दे रहे होते हैं, जाहिर है। सर, ये और दिखाना है। और ये LCDs रखी हुई हैं, बाइनोस्कोप है, लेकिन पता नहीं ये सही है नहीं है, मतलब ये जिस तरह ऐसा निकलता है यहाँ पे ला के हम लोग सेल करते थे। तो किलो के हिसाब से? हाँ, किलो के हिसाब में। क्या किलो है ये? आपको पड़ेगा 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो? हाँ सही। अच्छा, और अब आना मेरा है, ये सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं। सही, ये एक्सपायर तो नहीं है? नहीं, एक्सपायर नहीं होंगे। फिर उसके बाद ये LCDs रखी हुई हैं, प्रिंटर रखा हुआ है। कितने कितने की हैं? कौन सी ओरिजिनल है कि चाइना है? ये जापानीज़ है। जापानीज़ है? कितने की है ये? आपको पड़ेगी 2500 रुपये की। 2500? और है इसके कितने? ये LED है, 16 इंच है। 16 इंच LED है जी। उसके बाद ये ब्लोज हो गए। ब्लोज कितने के? 2500 रुपये। ये भी जापानीज़ है। असल में ऐसा होता है कि यहाँ पे चाइना की सामान और कम में मिल सकती है, 1800-2000 में आपको मिल जाएगा चाइना, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती। ये प्रिंटर है, कौन है? ये है HP 7000। 7000? ये कितने का? ये तकरीबन आपको पड़ेगा 7000 रुपये का। 7000 जी। और है बिल्कुल सही चलता हुआ? बिल्कुल चलता हुआ, रनिंग कंडीशन में? रनिंग है बिल्कुल। कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद पता होता है कि यार ऑन है, तो उसको फिर चेक करवा के देते हैं। लाइफ जैकेट्स हो गई, इसके बाद ये 500 रुपये जी। इसका तो पूरा स्टॉक मेरे पास ऊपर वहाँ रखा हुआ, यही कि ये कम चलने वाली चीज़ है, ऐसा होता है कि रखी हुई है हमारे पास, एक ही साथ बंदा ख़रीद लेता है। अच्छा, ये AC बताओ, AC का क्या हिसाब किताब है? AC का ये है कि यहाँ पे AC किलो के हिसाब में बिक रहा है। किलो के हिसाब जी? और हैं सही है? ये सही है बिल्कुल। यूज़ है ना, लेकिन ये है, ये यूज़ है शिप में, वही यूज़ हुए हुए होते हैं ये। तो इसमें टन का हिसाब होता है ना, कितने टन से कितने टन तक के हैं? इसके ऊपर मेंशन होता है, पूरा लिखा हुआ होता है। ये आउटर है, इसका इनर हमारे पास पीछे गोदाम में पड़ा हुआ है। ये कितने का है? ये 500 रुपये केजी पड़ेगा। इसके ऊपर लिखा हुआ होगा पूरा, ये तकरीबन होगा 90-95 केजी का होगा आउटर। इसका इनर होगा, इनर का भी यहाँ पे मेंशन होगा पूरा। तो इस तरह से होता है, ये देखें जैसे छोटे वाले हैं, डैकिन जापानी AC है उसका है, पीछे ये वाले सारे। ये अपना क्या कहते हैं, ये कितने, इसका वेट कितना होगा? इसका वेट वो करना पड़ेगा, मतलब ऐसा होता है कि कस्टमर आते बोलते हैं हाँ यार, ये अंदाजन ये तकरीबन होगा 25 केजी का होगा। 25 केजी का होगा, मतलब नहीं कम का ही होगा बल्कि। पैसों में पूछना चाह रहा हूँ कि पैसों में कितने तक का पड़ेगा ये? पैसों में ये और इनर के साथ ही आपको तकरीबन पड़ जाएगा 20-22 हज़ार रुपये का। 20-22 हज़ार? और ये क्या है, बड़े वाले? हाँ, ये बड़े वाले का, ये 4 टन वाले का आउटर रखा हुआ है, ये 2 टन वाले का,
इसके इनर्स जो है वो पीछे बैक साइड पर पड़े। सही सही सही। अच्छा और ये दिखाना, ये क्या है? ये कैमराज हैं, सीसीटीवी, ये यूज हुए हुए होते हैं। हाँ सही है। हाँ ये रनिंग जगह से उतरे हुए होते सही है। कुछ कुछ ख़राब भी हो सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि सारी सही है, लेकिन तकरीबन 80-90% इसमें सही होता है। कितने के? ये भी केजी के हिसाब में 1000 पर केजी। 1000 पर केजी। अब एक किलो में दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, इसमें एक किलो में एक भी आता है। जैसे ये बड़ा वाला है, इसकी ऑफिशियल प्राइस जो है वो 8000 रुपये, और ये एक किलो का होगा तकरीबन, तो मैं 1000 रुपये में दे रहा हूँ। इस तरह ये होता है। और फ्यूचर दिखाना। फ्यूचर ये है। कितने का ये? मैं दे रहा हूँ 4000 रुपये। 4000 रुपये। ये प्राइस तकरीबन 15-16000 रुपये इस तरह से होती है। मतलब यहाँ पे ये काम होता है, जिसके मतलब का कोई काम है तो वो लेके चले आए। अब मैं आपको दूंगा, आप नहीं खरीदोगे, लेकिन जिसको इसकी ज़रूरत होगी वो लेके जाएगा। ये यहाँ पे वायर्स वगैरह रखे हुए हैं। कौन से? ये इंटरनेट वायर्स हैं। अच्छा, ये क्या? वो केबल के वायर हैं। ये सब 1000 रुपये केजी। 1000 रुपये केजी। जी मार्केट प्राइस क्या होगी? मार्केट प्राइस ज़्यादा ही होती है, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं यहाँ पे हमारी लोकल मार्केट्स में, वो मेटल के होते हैं और सिल्वर पे बने हुए होते हैं। ये प्योर कॉपर पे, ये है, ये केबल का वायर। ये भी केबल का वायर है। केबल का वायर है। ये यहाँ पे फाइबर पड़ी हुई है नेट के लिए। ये कितने की? कार्बन फाइबर। ये भी सब 1000 पर केजी है। 1000 पर केजी। ये कैमरे की वायर है। ये टीवी में भी चल सकती है और ये कैमरे की होती है। और ये भी तुम्हारा कोई मशीन टाइप? ये सब ख़राब है। इसका गेमिंग था ये, लेकिन ये ख़राब हो गया। अच्छा,